हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैग अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने टैग अर्निंग सपोर्ट चैनल पे। सो गाइस, आज का दिन काफ़ी प्रॉफिट वाला रहा है क्योंकि एक टोकन जिसका एयरड्रॉप और बाउंटी दोनों हमने ज्वाइन की थी, दोनों आपके साथ डिस्कस की गई थी, वो अब लिस्ट हो चुका है। मैं बात कर रही हूँ बिटहम पे लिस्ट हुआ एम पे टोकन्स के बारे में, जो ऑलरेडी बीकेएक्स पर भी लिस्टेड है। तो आज ही इसकी ट्रेडिंग शुरू हुई है 7 जनवरी से, एंड बीकेएक्स पर भी ये लिस्ट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 0.012 अभी इसकी प्राइस है। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी क्वेरी है, काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं कि आखिर क्या हमें एम पे को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें कि इसकी हाई वैल्यू जो है वो 0.03 गई है, बीकेएक्स पर भी 0.03 से ऊपर ट्रेड कर रहा था, एंड अभी जस्ट इसकी वैल्यू जो है थोड़ी कम हुई है, बट 0.012 पे ये टिका हुआ है। एंड ऑलमोस्ट 4 बजे से ये 0.012 से लेकर 0.016 तक अपना जो भी स्टेबल है बना हुआ है। सो अब हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, क्या इसको हमें होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है एमपे की। इसमें जब हमने एड्रॉप ज्वाइन किया था तो इसके जो टोकन हम लोगों को मिले थे वो इसके वॉलेट में मिले थे। ये इसका वॉलेट था। यहाँ पे आपको 2000 टोकन्स मिले थे, तो काफ़ी कन्फ्यूजन्स है कि अपने वॉलेट से आपको यहाँ पे अपना जो एमी टोकन है उन्हें विड्रॉल कैसे लेना है और एक्सचेंज पर कैसे पहुँचाना है। तो इस रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस इनके एमपे के ग्रुप में भी पूछे जा रहे थे, तो मैं पूरा प्रोसेस अब आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको ये जो लिखा हुआ दिख रहा है योर वॉलेट एड्रेस, ये आपका एमपे का वॉलेट एड्रेस है और ये आपका इथेरियम का वॉलेट एड्रेस है। इस एड्रेस को आपको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ इथेरियम बैलेंस आपको सेंड करना है। जैसे आप अपने किसी भी वॉलेट से किसी भी टोकन को सेंड करते हैं किसी एक्सचेंज पे, सो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ इथेरियम एज अ गैस फीस पे करनी होती है। तो सेम सिस्टम यहाँ पे एमपे वॉलेट का भी है। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ फीस जो है आपको इथेरियम में सेंड करनी है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि जो आपको टोकन्स यहाँ पे मिले हैं आप किस तरीके से इनको सेंड करेंगे। इथेरियम सेंड करना है, कितने डॉलर का सेंड करना है। यहाँ पर इनके ग्रुप में जब हम आए तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने यहाँ पे 2 से लेकर 4 डॉलर तक का इथेरियम जो है इस एड्रेस पर सेंड किया, एंड वहाँ से अपना जो है एमपे टोकन्स को विड्रॉ लिया है। बट इसके बाद में अगर हम बात करें इथेरियम गैस फीस की, तो इथेरियम गैस फीस भी काफ़ी हाई होती जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बहुत सारे मेम्बर्स जब कोशिश कर रहे हैं $2 या $2.50 के इथेरियम के थ्रू यहाँ से वॉलेट से ट्रांसफ़र करने का, तो उनकी ट्रांजेक्शन फेल आ रही है। सो टोकन्स को सेंड करने के लिए यहाँ पे हम सेंड टोकन्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, एंड इस तरीके से यहाँ पे मुझे कितने टोकन सेंड करने हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, आपका AME कॉइन, एंड इसके बाद आपका कोई भी एड्रेस, चाहे वो बिटहम एक्सचेंज का हो या फिर आपका माइथर वॉलेट एड्रेस हो। तो उसको यहाँ पे सेंड टोकन के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे और आपके पास इनसफिशिएंट इथेरियम फंड होगा, तो यहाँ पे आपकी जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो फेल हो जाएगी और आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। ये देखिए मेरे पास एरर आ चुकी है, ट्रांजेक्शन फेल हो चुकी है। सो आप भी देख लीजिएगा कि जब फीस थोड़ी कम हो जाए $2 से $4.50 के बीच में, तब आप यहाँ पे कुछ इथेरियम सेंड करके यहाँ से अपना जो भी टोकन्स हैं वो आप अपने एड्रेस पे सेंड कर लीजिएगा। तो ये एक बात होगी कि वॉलेट से किस तरीके से आपको विड्रॉल लेना है और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आपको इसी वॉलेट के ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है स्टेकिंग का। यहाँ पे स्टेकिंग रिवॉर्ड भी मिलता है जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर आप एमपे वॉलेट में स्टेकिंग भी करना चाहते हैं तब भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ इथेरियम एज अ फीस पे करनी होगी, जो हर किसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग यहाँ पे सेंड करते हैं। बट यहाँ पे अगर एमपे की स्टेकिंग हम करते हैं तो 300% हमको विथिन 60 डेज में मिल जाते हैं, ऐसा इन्होंने अनाउंसमेंट यहाँ पे दे रखा है। इस तरीके से आपका पास आएगा कि आपको किस टोकन पे यहाँ पर जो है स्टेकिंग करनी है, AME सेलेक्ट करना है, अमाउंट एंड स्टेक आपको स्टार्ट करनी है। यहाँ पे दे रखा है कि अगर आप इसको 60 डेज के लिए रखते हैं तो आपको 300% APR मिलेगा विद लॉकिंग पीरियड के अंदर, एंड 12% APR फॉर इंस्टेंट विड्रॉल भी मिलेगा। मान लीजिए आपने स्टेकिंग पे लगाया और आप चाहते हैं कि अब मैं इसको अनस्टेक कर दूँ थोड़ा सा प्रॉफिट लेने के बाद, तो इंस्टेंट भी आप इसको अनस्टेक करके 12% APR जो है वो ले सकते हैं पर स्टेक पे। जो भी स्टेकिंग की हिस्ट्री रहेगी वो आपको यहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन्स में शो होती रहेगी।
अब बात करें बिटम की, तो गाइस ट्रेडिंग तो चल रही है एंड आई होप कि आप सबने अपनी जो कॉइन्स, अगर आपके ने बाउंटी ज्वाइन की थी तो आपके पास आपके माइक्रो वॉलेट में होंगे, वहां से डिपॉजिट सेक्शन पे आके आपने इसको बिटम पे सेंड कर लिया होगा एएमई के एड्रेस पे। अब सेकंड बात ये करेंगे कि इसको हमें होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगी एएमई के खुद के इस ग्रुप में, जहाँ पे इन्होंने ये अनाउंसमेंट दी है यहाँ पे कि जल्द ही ये एएमई टोकन्स जो हैं वो और टॉप 3 एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने वाला है इस जनवरी के अंदर, जिसमें एमएक्सी, बिट्रैक्स आ सकते हैं, साथ में ही चेनेक्स एक्सचेंज भी यहाँ पर आ सकती है जिसके साथ इसकी पार्टनरशिप हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि इसकी प्राइस आगे बढ़ेगी, आप लो प्राइस पे इसको सेल ना करें, अगर करना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, बट इस से लगता है कि इसकी प्राइस जो है वो आगे बढ़ सकती है। सेकंड रीजन इसके प्राइस बढ़ने के चांसेस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि बीकेएक्स एक्सचेंज पर अभी तक इन्होंने डिपॉजिट को जो है अलाउ नहीं किया रहा है, सस्पेंड किया हुआ है डिपॉजिट को, जिससे कि हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। एंड बीकेएक एक्सचेंज एंड बिटहब एक्सचेंज दोनों ही एक्सचेंजेस पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है दोनों में काफी डिफरेंस है और प्राइस में भी काफी डिफरेंस है। जब इनसे पूछा जाता है कि क्यों स्टार्ट नहीं किया है बीकेएक्स पे इन्होंने डिपॉजिट, तो इन्होंने कहा है ये जल्द ही अनाउंस करेंगे, जब भी ये डिपॉजिट जो है वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट रीजन इसकी प्राइस क्यों थोड़ी बहुत और बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे बिटहब पे भी इनका ट्रेडिंग एंड स्टेकिंग जो एक कॉम्पिटिशन है, इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जहाँ पे 250,000 AME टोकन्स एज अ रिवॉर्ड सभी को मिलेंगे। 3 इवेंट उन्होंने चला रखे हैं जहाँ पे अगर हम बाय करते हैं 5,000 AME कॉइन्स तो पर ट्रेड पर बाय पे आपको 50 AME एज अ रिवॉर्ड मिलेंगे एंड अप टू 500 AME टोकन्स आपको इस इवेंट में मिल सकते हैं, जिसमें 150,000 AME टोकन्स जो है इस इवेंट में लगाए गए हैं। बाकी 100,000 जो है वो ट्रेडिंग इवेंट में लगाए गए हैं, जो मोस्ट टॉप ट्रेडर होगा उसको 12,000 AME टोकन्स मिलेंगे एंड सेकेंड पे जो आएगा उसे 10,000 एंड 8,000 एंड इसके अलावा इस तरीके से 400 मेंबर्स में इक्वली यहाँ पे इस तरीके से अवार्ड्स को जो है दिया जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे बेस्ड है। सो इस तरीके से ये 2 इवेंट हो गया एंड थर्ड जो इवेंट है वो इवेंट थर्ड है जो कि स्टेकिंग का है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सो एम पे वॉलेट की जैसे ही यहाँ पे आप बिटहब ग्लोबल पे भी स्टेकिंग कर सकते हैं, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे सो आप इस पेज पर यहाँ पर आ जाएंगे एंड जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सभी मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप 60 डेज के लिए अगर लॉकिंग करते हैं तो इन्वेस्ट नाउ के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये इस तरीके से सारे दे रखे हैं 14 डेज के लिए एंड यहाँ पे 30 डेज के लिए, जितना जितना APR वगैरह आपको मिलेगा वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रखी है। तो इट्स मीन कि ये जो इवेंट है लिस्टिंग पर ही खत्म नहीं हुआ है, ये प्लेटफॉर्म लिस्टिंग पर ही खत्म नहीं हुआ है, आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें हैं जो इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। काफ़ी हार्ड वर्क हो रहा है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मुझे ऐसा लग रहा है प्राइस अभी अप जाएगी, डिसअपॉइंट मत हुई है। अगर आप 0.03 की वैल्यू पे सेल नहीं कर पाए हैं तो जल्द ही ये अपनी हाई पीक पे जरूर दिखेगा। सो आई होप कि इस एम पे प्लेटफॉर्म से, एड्रॉप से, बाउंटी से आपको भी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, बिकॉज मैंने इसकी बाउंटी भी ज्वाइन की थी तो मुझे वहाँ से भी काफ़ी अच्छे टोकन्स मिले हैं, जिस कारण मैं कह सकती हूँ कि मुझे आज इस प्लेटफॉर्म से अच्छा प्रॉफिट हुआ है। सो चलिए ये थी आज की वीडियो एमपे की प्लेटफॉर्म की पूरी जानकारी, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स ना हो, और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन्स हो सो एमपे के इस ग्रुप में रहिए, इसमें चैट देखिए, आप भी चैट कीजिए, अपने क्वेश्चंस पूछिए, जिससे कि आप काफ़ी क्लियर रहेंगे कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू एड्रॉप्स, बाउंटी एंड अपडेट्स के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।